प्रोफेसर यूजीन सैंडो की सीरीज के पार्ट 8 में आपका स्वागत है। इससे पहले के पार्ट आपने ज़रूर देखे होंगे, वह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी से भरे हुए हैं। यदि नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखिए। आज यूजीन सैंडो के जीवन के अध्याय और भी शक्तिशाली कर्तव्य को जानेंगे जिसको वह किया करते थे। इस अध्याय को वह जीवित भाग का नाम देते हैं क्योंकि यूजीन सैंडो का दिमाग एक खोजी दिमाग था। उनका ऐसा मानना था कि जिस भी फील्ड में आप हो उसमें आपको लगातार नई खोजें करती रहनी चाहिए। तो इसी उद्देश्य से वह बलशाली कर्तव्य में भार उठाने के साथ साथ जीवित पशुओं और व्यक्तियों के भार को उठाने का अध्याय भी जोड़ देते हैं। यूजीन सैंडो कहते हैं कि इस समय के आसपास बहुत मजबूत व्यक्ति थे जो अपने क्षेत्र में उन्नति प्राप्त कर रहे थे। यह दौर मुख्य रूप से वेट लिफ्टिंग का ही था, जहां एक से बढ़कर एक मजबूत व्यक्ति थे। जिस समय यूजीन सैंडो 280 पौंड उठा लेते थे, उस समय तो अन्य शक्तिशाली पुरुष 300 पौंड उठा रहे थे। इसीलिए यूजीन सैंडो जीवित भार उठाने की विधि खोजना चाहते थे, क्योंकि भार तो हर कोई उठा रहा था उस समय। और जब यूजीन सैंडो 300 पौंड उठाने का अभ्यास कर रहे थे तो वहीं दूसरे मजबूत व्यक्ति 320 पौंड उठाने का अभ्यास कर रहे थे। मित्रों, कंपटीशन तो हर फील्ड में होता है और बिना कंपटीशन के जीवन में मज़ा भी नहीं है, इसीलिए कंपटीशन होना ज़रूरी है। सैंडो, सैमसन और साइक्लोप्स के अलावा यूजीन सैंडो की और भी शक्तिशाली पुरुषों के साथ मुकाबले हुए हैं। यदि आप चाहोगे तो मैं उन पर भी वीडियो बना दूंगा। यूजीन सैंडो कहते हैं कि मैं कुछ नया प्रदर्शन करना चाहता था। इसी उद्देश्य से यूजीन सैंडो ने जीवित भार उठाने का पहला कर्तव्य ट्यूवेली नामक स्थान पर किया, जिसमें वह एक घोड़े को अपने सीधे हाथ से उठाते हैं और उसको अपने सिर की ऊंचाई तक ले जाते हैं। देखिए, इनके लिए घोड़ा उठाना कितना सरल है। केवल भुजाओं को शक्तिशाली बनाने से कुछ नहीं होता है, संपूर्ण शरीर ही शक्तिशाली होना चाहिए। इसका जीता जागता उदाहरण गोलायत है, जिसका जिक्र हमने पिछली वीडियो में किया है। आजकल के किशोर बालकों को लगता है कि बाइसेप्स बड़े बड़े होने चाहिए और चेस्ट भी टी शर्ट से फाड़ कर बाहर निकलती हुई होनी चाहिए, इसलिए वह जोर शोर से बाइसेप्स एक्सरसाइज और बेंच प्रेस पर लगे रहते हैं। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, अच्छा हर कोई दिखना चाहता है, लेकिन संपूर्ण शरीर का विकास होना जरूरी है, इसलिए व्यायाम ठीक प्रकार से किया जाना चाहिए जो शक्ति बढ़ाने वाला हो और स्ट्रेंथ बढ़ाने वाला हो। तो यूजीन सैंडो पूरा घोड़ा ऊपर उठा लेते हैं, जिसका वजन लगभग 500 पौंड था। वह उस घोड़े को उठाकर संपूर्ण मंच का चक्कर भी लगाते हैं। इसी को कहते हैं असली ताकत। यही तो लाभ था उनके माइंड मसल व्यायाम का। इसके बाद यूजीन सैंडो अगला कर्तव्य करते हैं, वह ह्यूमन डंबल को उठाते हैं। इस कर्तव्य में क्या होता है कि एक मजबूत सरिया के दोनों छोर पर एक एक भारी और बड़ी गेंदें होती हैं जो भीतर से खोखली होती हैं। वह इतनी बड़ी होती हैं कि एक आदमी बड़ी ही सरलता से उसमें बैठ जाए। तो इस प्रकार से उस ह्यूमन डंबल के दोनों छोर पर उस गेंद के भीतर वह व्यक्ति बैठ जाते हैं। फिर यूजीन सैंडो ताकत लगाकर उस संपूर्ण डंबल को एक ही हाथ से उठाकर अपने सिर की ऊंचाई तक ले जाते हैं और उसके बाद उस डंबल को नीचे रख देते हैं। यूजीन सैंडो ने यह बल कर्तव्य 300 पौंड उठाने की बराबरी में किया था। ऐसा कर्तव्य उस समय कोई नहीं कर पाता था। यही तो था उनका जीवित भार प्रदर्शन। इसके बाद
यूजिन सैंडो कहते हैं कि मैं एक फुल साइज ऑर्केस्ट्रा को अपनी छाती पर उठाता था जिस पर संगीत बजाने वाले 8 कलाकार पहले से ही बैठे होते थे। यूजिन सैंडो कुछ समय तक उस भार को अपनी छाती पर सहते थे और उस भार को बैलेंस भी करते थे। यूजिन सैंडो इस करतब पर पूरा भरोसा था कि इस करतब को उनके अलावा कोई भी नहीं कर सकता है। वह करतब यह था कि वह दोनों हाथों में 56 पौंड यानी लगभग 25 किलो के दो बेल्ट पकड़कर बैकफ्लिप करते थे। यह कठिन इसलिए था क्योंकि इसमें लगभग 50 किलो का भार लेकर संपूर्ण शरीर सहित बैकफ्लिप करनी होती थी, जो हर किसी के बस की बात नहीं थी। यूजिन सैंडो कहते हैं, मैंने कई प्रांतों में इस करतब को करके दिखाया और इंग्लैंड के कई शहरों में खूब शौहरत पाई। आगे यूजिन सैंडो कहते हैं कि एक बार मैं लंदन गया हुआ था, वहाँ पर मैंने अपनी इंगेजमेंट के दौरान एक करतब दिखाया। वह कहते हैं, एक बार मैंने ऑर्केस्ट्रा के स्थान पर छाती पर एक तख्ता रखवाया, फिर मैंने उस तख्ते पर 3 घोड़ों को खड़ा करवाया और उनका वजन सहने का प्रदर्शन करके दिखाया। वहीं इसके बाद एक घुड़सवार अपने घोड़े पर दौड़ता हुआ आता और मेरी छाती के ऊपर रखे हुए तख्ते पर से गुजर जाता था। अब देखिए मित्रों, 3 घोड़ों के वजन को सहन करना कितना आसान था। यूजिन सैंडो के इन शक्तिशाली करतब से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यूजिन सैंडो कितने शक्तिशाली होंगे। 3 घोड़े सहित यदि देखा जाए तो यूजिन सैंडो ने लगभग 1000 किलो का भार सहा था। और वहीं इसके विपरीत प्रोफेसर राममूर्ति अपनी छाती पर 5000 किलो तक का भार सहन करते थे। तो आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि राममूर्ति जी और यूजिन सैंडो के शक्ति का कितना भेद रहा होगा। आजकल YouTube पर राममूर्ति जी के नाम पर ना जाने कौन कौन से व्यायाम बताए जा रहे हैं, वह सारे गलत व्यायाम हैं। यदि आप कहोगे तो मैं उन पर भी वीडियो बनाऊंगा विस्तार सहित, ताकि आप ज्ञान को ठीक प्रकार से समझ सकें और व्यायाम को कर सकें। तो इस प्रकार से प्रोफेसर यूजिन सैंडो जीवित भार उठाने के क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ी महारत हासिल करते हैं। मित्रों, मुझे लगता है वीडियो को यहीं पर विराम देना चाहिए। अगली वीडियो में हम फिर से यूजिन सैंडो के जीवन के प्रसंग को लेकर हाजिर होंगे। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। मित्रों, कोई भी डाउट हो तो पूछना, आपके सवालों के जवाब के लिए ही तो कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, तो इसका प्रयोग अवश्य कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।